आप सब, आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मेकअप वीडियो है और ये वीडियो है बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि मुझे बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि अगर आपकी न्यू मैरिड हुई है तो जैसे मुंह दिखाई के लिए लोग बाग आते हैं देखने के लिए, तो उसमें आप किस तरह से मेकअप कर सकते हो, किस तरह को अपने आप को संवार सकते हो, किस तरह से आप सुंदर लग सकते हो, तो मैं उसी वेश पे आज मेकअप करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जब भी आप मेकअप करने बैठे ना, तो अपने फेस को वॉश कर लें अच्छी तरह से। एंड देखिए, मेरे चेहरे पे अभी कुछ भी नहीं है, तो मैंने लगाया है सबसे पहले एलोवेरा जेल, और ये ना प्राइमर का भी काम करता है और आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अकॉर्डिंग जो आप भी कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो ना, उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने ये बीबी का फेस पैक लिया है, तो बस इसको ना डॉट डॉट करके लगाऊंगी, और ये आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा आराम से। मुझे ये काफ़ी अच्छा इसलिए लगा क्योंकि जो इसका कलर है ना, वो मेरी कलर से काफ़ी मैच करता है। आप कभी भी कोई भी फाउंडेशन यूज करते हैं ना, कोई भी क्रीम यूज करते हैं, अगर आप उसे अपने फेस से मिला के लेंगे, क्योंकि फाउंडेशन में ना 3 कलर आते हैं, अगर आप मैच करके अपने कलर फेस से लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब मेकअप करना ना इजी हो जाता है एकदम, और लुक जो होता है आपके चेहरे का वो भी एकदम अच्छा रहता है, दिखने में भी अच्छा लगता है सामने वाले को। तो वह मैंने ना वाइट टोन लगा लिया था। अब इसके बाद देखिए, मैं कंसीलर लगा रही हूँ। अगर आपके डार्क सर्कल हैं तो आप कंसीलर लगाइए, अदरवाइज नहीं है तो आप इसे स्किप कर देना। तो ठीक है, मेरे को हल्का हल्का से लग रहा था क्योंकि आजकल मुझे नींद नहीं आती है, बहुत कम आने लगी है पता नहीं क्यों। तो बस मैंने हल्का हल्का सा इसको लगाया है और आईज़ के नीचे ही लगाया है। तो ये वाइट टोन फिर मैं अब इसे दोबारा लगाऊंगी, दोबारा नहीं, हाँ फर्स्ट टाइम ही लगा रही हूँ, उसको पहले नहीं लगाया था। तो वाइट टोन जब आप कंसीलर वगैरह, प्राइमर वगैरह, आप जो भी कुछ यूज कर रहे हैं, जब आप ये सब चीज़ लगा लेते हैं, तो उसके बाद ही आपको सबसे बाद लास्ट में ये वाइट टोन लगाना है। बहुत अच्छा लुक देता है, एंड कहते हैं ना लाइट मेकअप एकदम वाइट मेकअप, लाइट मेकअप जो होता है ना बहुत ही अच्छा रहता है, अदरवाइज उसके जो आप डार्क मेकअप करते हो वो अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए, आप जो भी साड़ी कैरी करेंगे या सूट कैरी करेंगे, उसके ही अकॉर्डिंग आपको कलर्स लेना है अपने आईज़ के लिए, आई शेडोज़ बनाने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए, मैं हल्का हल्का सा मैंने रेड और पिंक लिया है, तो इसमें आपको कलर अलग लग रहा होगा कि मतलब अलग कैमरे में ना अलग क्वालिटी नज़र आ रही है इसकी। तो ये देखिए, मैंने हल्का हल्का सा कर लिया है, और उसके बाद मैंने लिक्विड वाली लिपस्टिक ली है। लिक्विड वाली लिपस्टिक ना काफ़ी अच्छी रहती है, तो सबसे पहले मैं अपने लिप्स को ना अंडरलाइन करूँगी पेंसिल से। तो ये आप पेंसिल आप कहीं से भी ले सकते हो, मेरे ख्याल से 20 रुपये में आती होगी, मेरे पास तो काफ़ी टाइम से रखी हुई है। तो ये देखिए, इस तरह से अंडरलाइंस कर लेंगे ना, तो आप जब लिपस्टिक लगाते हैं ना तो अच्छी तरह लग जाती है, बिल्कुल भी नहीं फैलती है। और मैंने बहुत लोगों को देखा है, जब आप लिपस्टिक लगाते हैं तो थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है लिप्स में, वो इसीलिए ही होता है कि आपको ना अच्छी तरह से लग नहीं पाती है लिपस्टिक। तो देखिए, रेड लिपस्टिक लगाई है मैंने, आप चाहें तो कोई भी लगा सकते हैं जो आपके चेहरे पे अच्छी लगती हो। तो ये देखिए, जब आप कोई ऐसा मेकअप करते हैं ना, शादी वाला या किसी भी फंक्शन के लिए रेडी होते हैं, तो उसमें आप थोड़ी सी बिंदी बड़ी रखना, छोटी बिंदी रखोगे तो इतना अच्छा लुक नहीं आएगा। और ये देखिए, मैंने ना ये वाले झुमके ट्राई किए, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था ये झुमके आपने कहाँ से लिए, तो ये मैंने सिंपल से शॉप से ही लिए थे जब मैं घर गई थी दिल्ली, काफ़ी टाइम हो गया इनको भी, तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। और देखो, फैन ना 2 पे चल रहा था, तो फिर उसके बाद क्या होता है, लाइट भी चली जाती है, इन्वर्टर भी बोल जाता है, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा वैसा भी लग रहा था। तो ये देखिए, मैंने ना चूड़ियों का सेट बना लिया है, कितना अच्छा लग रहा है ना। जैसे मेरी साड़ी है ना, उसका कलर कॉम्बिनेशन मैंने लिया, मैं आपको दिखाऊंगी मैं कौन सी साड़ी पहन रही हूँ। बहुत अच्छा, मतलब आप जब जिस आपकी साड़ी में जितनी कलर होते हैं ना, आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ डाल के अगर सेट बनाएंगे ना, तो बहुत ही प्रिटी लुक आता है आपके पूरे हाथ का। और पता है, आपकी हाथों की शोभा जो होती है ना, वो चूड़ियों से ही बढ़ती है, आप जितना ज़्यादा पहनेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखिए, मैंने मेरा जो मेकअप है वो रेडी हो रहा है, तो उसके बाद मैंने ये इसमें सेट डाल लिया है। अब जब ऐसा मेकअप करना है हमको कि शादी ब्याह में जाना है, या न्यू मैरिड हुई है हमारी जल्दी जल्दी, या हमारी मुंह दिखाई होने वाली है, तो उसके लिए तो आपको हैवी ज्वेलरी पहननी पड़ती है। तो ये मैं मंगलसूत्र पहन लेती हूँ। तो बस देखिए, मैं अब पिन लगा लूँगी। तो ये वाली साड़ी मैंने पहनी है, और ये ना बहुत लाइट वेट साड़ी है, बहुत ही अच्छी लगती है पहनने में भी और दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है।
तो बस अब बारी आती है बालों को करने की। तो जब आप बालों को करते हो ना, तो मैं बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ही लंबे हैं। तो बस मुझे सिर्फ एक ही चीज़ सोचती है कि मैं इस तरह से पफ बना लूँ, और पफ भी मेरे बालों में नहीं बन पाता है क्योंकि मेरे बाल काफ़ी सिल्की हैं। आप चाहें तो जूड़ा ले सकती हैं, जूड़ा लेके पीछे से ना पिन लगा सकती हैं, इस तरह से भी सेट रहता है, अच्छा रहता है। अगर आपके छोटे बाल हैं तो बहुत ईजिली अच्छा सा जूड़ा बन सकता है, और मेरी तरह अगर आपके बालों की लेंथ बड़ी है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ना, और सिल्कीन बालों में तो खास तौर पे हो जाती है। तो बस मेरे को कभी ना बहुत कम समझ में आता है कि मैं क्या ट्राई करूँ क्या नहीं ट्राई करूँ। तो बस ये देखिए मैंने ऐसे हल्का सा हेयर स्टाइल बना लिया, थोड़ी थोड़ी सी लट निकाली है, अच्छा लुक आता है। इस तरह से हल्की हल्की लट निकालेंगे ना तो अच्छा लगता है देखने में। तो बस मैं पीछे से थोड़ा थोड़ा सा कंघा मार लूँगी ताकि और अच्छा लगे देखने में। तो बहुत इजी होता है, और ये मेकअप ना फिर सिर्फ मैंने मुश्किल से 10 मिनट में किया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक, मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट करके बताना। और ये मेकअप ना हर कोई कर सकता है, बहुत ईजीली है, आपने देखा भी, और बहुत ही कम प्रोडक्ट में हो गया। ज़रूरी नहीं है आप ना 20 तरह की चीज़ अपने फेस पर लगाएँ, जो चीज़ लाइट मेकअप में होती है ना वो किसी मेकअप में नहीं होती है। और कहते हैं ना साथ जो आपकी सुंदरता है वो थोड़ा सा लाइट मेकअप करते हो तो उसी में निखर के आती है। तो देखिए कैसा हो गया बताना प्लीज़। तो फ्रेंड्स ये था मेरा फाइनल लुक, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये सेट मैं आपको बता दूँ, ये मैंने किसी मार्केट से नहीं लिया है, ये मेरे पे चूड़ियाँ थी, मतलब कोई किसी साड़ी की मैच की, कोई किसी की साड़ी की मैच की, तो मैंने उसको करके ये ना एक चूड़ी सेट भी बना लिया है, बहुत सस्ते में बना लिया, फ्री फंड भी बन गया है। तो मैं हमेशा इस तरह से अरेंज कर लेती हूँ। और ये देखिए बिल्कुल एक दुल्हन वाला, जैसे आपकी न्यू मैरिड हुई है तो आप उसमें इस तरह से अगर मेकअप करेंगी ना तो सच में लोग आपकी तारीफ़ करते करते बिल्कुल नहीं थकेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो प्लीज़ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप शेयर भी कर दिया करो। वीडियो अच्छा लगता है तो पीछे देखिए अनमोल आ गया है, अनमोल बहुत परेशान करता है, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, ये लड़का बनाने ही नहीं देता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर से मिलूंगी अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्ते बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखना, माय यूट्यूब फैमिली, लव यू फैमिली, बाय बाय।